तो भक्तों, यूं तो रक्षाबंधन की कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु मैं आपको कुछ चर्चित प्रसंग सुनाता हूं, जिनमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का धार्मिक महत्व है। वह भाई बहन के पावन प्रेम के प्रतीक की महत्ता को दर्शाया गया है। तो आइए श्रवण कीजिए रक्षाबंधन के प्रसंगों का। रक्षाबंधन पर्व है पावन, भाई बहन के प्यार का दर्पण। बहना मांगे भाई का हित, भाई करे उसकी रक्षा नित। दोनों में है प्रेम अनूठा, एक धागे का बंधन सच्चा। राखी का है प्यारा बंधन, कच्चे धागे का रिश्ता उत्तम। तो आइए सबसे पहले हम आपको रक्षा सूत्र के उद्गम और उसके धार्मिक महत्व के बारे में बताते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे रक्षा बंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य का हर दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात बताऊं, रक्षा सूत्र की कथा सुनाऊं। सुर और असुरों का युद्ध था भारी, दोनों की सेना भिड़ गई सारी। 12 वर्ष तक युद्ध चला था, इंद्र भी जिसमें पराजित हुआ था। दैत्य पराजित हो ना पाए, देव अमरावती आए। तीनों लोक पर दैत्य विराजे, अत्याचार के बज गए बाजे। दैत्यों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और आदेश दिया कि स्वर्ग में इंद्रदेव नहीं आएंगे और पृथ्वी लोक पर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। वेदों का पठन पाठन, सभी उत्सव त्योहार तुरंत प्रभाव से मनाने बंद कर दिए जाएं। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और निवेदन पूर्वक कहने लगे, आप बड़े हो महान गुरु जी, दे दो कोई समाधान गुरु जी। न मैं भागू न टिक पाऊं, क्या मैं युद्ध में प्राण गवाऊं। कोई उपाय मुझको बताओ, मार्ग मुझे कुछ ऐसा सुझाओ। रक्षा हो धर्म की मैं बच जाऊं, जीवन भर गुरु गुण तेरे गाऊं। गुरु जी बताते हैं
देव का निवेदन सुनकर गुरु बृहस्पति उन्हें रक्षा का विधान करने का सुझाव देते हैं। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वमभिव धनामि रक्षा मा चलमा चलह मंत्र का जाप करके रक्षा विधान संपन्न कीजिए, ऐसा गुरुदेव इंद्र को आदेश देते हैं। इंद्राणी ने पाठ कराया, रक्षा सूत्र ले मंत्र है गाया, रक्षा सूत्र फिर इंद्र को बांधा, इंद्र ने गुरु जी को टेका माथा, इंद्र ने दैत्यों को ललकारा, सबको मृत्यु के घाट उतारा, रक्षा सूत्र की शक्ति भारी, बच गई देखो सृष्टि सारी। प्रकार रक्षा सूत्र का सूत्रपात यहीं से हुआ। रक्षा सूत्र वैसे तो कोई भी किसी को बांध सकता है, परंतु भाई बहन के पावन त्योहार को राखी का रूप अगली इस कथा से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण व द्रौपदी का संबंध आप सभी जानते हैं, आइए अब इस कथा का श्रवण करते हैं। आ तुम्हें एक कथा सुनाऊं, कृष्ण द्रौपदी की महिमा गाऊं, जग में अलग मिसाल है इनकी, महिमा कही न जाए जिनकी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, कृष्ण को भाई मानती जो थी, कृष्ण दयालु सब है जाने, सबके मन की ये पहचाने। महाभारत कथा के अनुसार शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण का ही बुआ का बेटा था, उसने श्री कृष्ण को बहुत अपमानित किया, परंतु एक वचन के चलते श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सही, क्योंकि कालांतर में जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो भविष्यवाणी के अनुसार श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होना था, जिसे सुनकर श्री कृष्ण की बुआ व्यथित हो गई। तब अपनी बुआ को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 100 गालियां माफ करूंगा, परंतु 101वीं गाली पर मैं इसका वध कर दूंगा। लीलाधर ने लीला रचाई, माया ने अपनी कला दिखाई, बीच सभा में शिशुपाल बोला, बोला तो फिर कुछ ना तोला, श्री कृष्ण को जम कर कोसा, नहीं था भविष्यवाणी पे भरोसा, अहंकार का फल है पाया, कृष्ण के हाथों
आशीष कटाया। वचन के पाते हैं भगवान, करते भक्तों का कल्याण। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के अपमान को गिन रहे थे, जैसे ही 100 गालियाँ पूरी हुई उसी क्षण सुदर्शन चक्र से भगवान ने अहंकारी शिशुपाल का वध किया। उसी दौरान चक्र से श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह निकला, जिसे देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक पट्टी को फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी को बांध दिया, जिससे रक्त प्रवाह रुक गया। यह सब देख के बोले कन्हाई, द्रौपदी मैं हूँ तेरा भाई, इस एहसान का ऋण मैं भरूंगा, बुरे समय में मैं रक्षा करूंगा, सच्चे मन से बुलाओगी जब जब, अपने संग मुझे पाओगी तब तब, पल भर भी ना देर लगाऊं, रक्षा सूत्र का वचन निभाऊं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समय आने पर लाज बचाने व रक्षा करने का अटूट वचन दिया। वे कथा के अनुसार जब द्रौपदी को चीरहरण का दंश झेलना पड़ा तो श्री कृष्ण ने उसी क्षण द्रौपदी की लाज बचाई, वह रक्षा सूत्र का मान रखा। तभी से यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम के रूप में मनाया जाने लगा। भक्तों, कथाएं कहानियां तो और भी बहुत हैं, परंतु समय अनुसार हर कथा का भाव आपके समक्ष रखा जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो और यह कथा अच्छी लगी होगी। इसी तरह की भक्ति भाव की प्रस्तुतियों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व इस कथा को अन्य लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।